नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मंत्रिमंडल ने सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने इस एजेंसी को करोड़ों युवाओं के लिए वरदान बताया, कहा इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। मंत्रिमंडल ने सरकारी निजी साझेदारी के जरिए जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को लीज पर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। वर्ष 2020-21 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 285 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय नौसेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, और कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर 73.64% हुए। समाचार संध्या में अपने सहयोगी रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। केंद्र ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। ये एजेंसी उम्मीदवारों के चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज संवाददाताओं को बताया कि इस ऐतिहासिक निर्णय से देश के युवाओं को लाभ होगा और उनकी लंबे समय से जारी मांग पूरी होगी। आज नौकरी के लिए जो युवा है उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 15,17,57,00,000 रुपए की राशि को मंजूरी दी है। ये राशि 3 वर्ष में खर्च की जाएगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी उम्मीदवार और भर्ती करने वाले संगठन के लिए भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाएगी और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी अंक की जानकारी केंद्र, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र को भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे इन संगठनों में भर्ती की लागत को कम करने में मदद मिलेगी। शुरू में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी साल में 2 बार परीक्षा आयोजित करेगी। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी समूह ख और ग में गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की जांच और चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा संचालित करेगी। इस एजेंसी में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कर्मी चयन संस्थान के प्रतिनिधि होंगे। देश के 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा संबंधी बुनियादी ढांचा बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे इन जिलों के निवासी उम्मीदवारों को अपने आसपास ही परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी के अंक परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होंगे। मान्य अंकों में सर्वश्रेष्ठ अंकों को उम्मीदवार का मौजूदा अंक माना जाएगा। उम्मीदवार अधिकतम आयु सीमा से पहले सीईटी कितनी बार भी दे सकेगा। सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उम्मीदवारों को सामान्य प्रवेश परीक्षा के पोर्टल पर पंजीकरण कराने और अपनी पसंद का केंद्र चुनने की सुविधा होगी। समाचार कक्ष से आनंद श्रीवास्तव। मंत्रिमंडल ने सरकारी निजी साझेदारी के जरिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के 3 हवाई अड्डों को लीज पर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। श्री जावड़ेकर ने बताया कि इससे आवश्यक निवेश जुटाने के अलावा सेवा प्रदान करने, विशेषज्ञता, उद्यम और पेशेवर क्षमता जैसी दक्षता बढ़ेगी। 3 एयरपोर्ट लीज देने का आज फैसला हुआ, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। इससे जो अपफ्रंट 1,070 करोड़ लगभग मिलेंगे, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दूसरे छोटे शहरों में एयरपोर्ट का विकास करने में उपयोग में लाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये परमानेंट प्राइवेट को नहीं दे रहा है, ये 50 साल वो चलाने के बाद फिर से एयरपोर्ट ऑफ इंडिया को ये एयरपोर्ट वापस मिलेंगे। श्री जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वर्ष 2020-21 के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दी।
1 करोड़ गन्ना किसानों के लिए इस साल भी परंपरा के अनुसार जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस है लाभकारी मूल्य बढ़ाकर दिया है। अब 285 रुपये पर क्विंटल यानी 2850 रुपये एक टन का दाम निश्चित हुआ है। 10% रिकवरी के आधार पर यह है, लेकिन अगर 11% रिकवरी होती है तो 28 रुपये 50 पैसे ज्यादा मिलेंगे पर क्विंटल। समिति ने डिस्कॉम को नियत सीमा से अधिक विस्तारित ऋण के लिए ऊर्जा वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को एक बार की छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। ये छूट उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के तहत पिछले वर्ष के राजस्व के 25% की कार्यशील पूंजी सीमा से अधिक के ऋण पर दी जाएगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि एक बार दी जाने वाली इस छूट से बिजली क्षेत्र को नकदी उपलब्ध होगी और राज्य सरकारों से डिस्कॉम को भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा। फॉर एक्सटेंडिंग लोन्स टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्कॉम्स अबव लिमिट ऑफ वर्किंग कैपिटल कैप ऑफ 25% ऑफ लास्ट ईयर्स रेवेन्यू, 25% की कैप को अभी थोड़ा सा स्थगित कर दिया गया है स्थिति सामान्य होने तक, और ये सभी राज्यों को फायदा होगा और की लिक्विडिटी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। श्री मोदी ने ट्वीटर पर कहा कि सामान्य पात्रता परीक्षा के जरिए ये एजेंसी कई तरह की परीक्षाओं की प्रक्रिया से छुटकारा दिलाएगी, इससे बहुमूल्य समय तथा संसाधनों की बचत होगी। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता में अत्यधिक वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी देने के कैबिनेट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। दिस इज अ रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क रिफॉर्म्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। रिफॉर्म विच विल ब्रिंग इन ईज ऑफ रिक्रूटमेंट, ईज ऑफ सिलेक्शन, ईज ऑफ जॉब प्लेसमेंट एंड देयर बाय ईज ऑफ लिविंग, particularly for certain sections of society which are at a disadvantage on one account or the other. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज शोपियां जिले के चिलगांव इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त दल ने चित्रगाम इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आतंकवादियों की गोलीबारी का सुरक्षा बलों ने भी करारा जवाब दिया, जिसमें एक आतंकी की मौत हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र के समुद्र हितों की रक्षा करने के लिए नौसेना की भूमिका की सराहना की है। नौसेना के शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन में श्री सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि जलपोतों और विमानों की सक्रियता से तैनाती करने के जरिए नौसेना किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है। उन्होंने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के सबसे बड़े अभियान ऑपरेशन समुद्र सेतु के लिए नौसेना को बधाई दी, जिसने राष्ट्रीय हित में अत्यधिक योगदान दिया है। श्री सिंह ने कहा कि नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित पड़ोसी देशों से करीब 4000 लोगों को स्वदेश लाने में मदद की। रक्षा मंत्री ने कहा कि नौसेना ने प्रमुख और संवेदनशील स्थानों पर अपने जलपोत और विमान तैनात करने के जरिए समुद्री हितों की रक्षा के लिए हमारे मिशन के आधार पर प्रभावशाली ढंग से कार्य किया। उन्होंने कहा कि इन तैनातियों से समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने में सहायता मिली और तेजी से मानवीय सहायता तथा राहत उपलब्ध कराई जा सके। सम्मेलन के पहले दिन नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह ने भी शीर्ष कमांडरों को संबोधित किया। 3 दिन का ये कमांडर सम्मेलन 2 साल में एक बार होता है। ये सम्मेलन अप्रैल में होना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नौसेना के आधुनिकीकरण के अलावा लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति और हिंद महासागर में सुरक्षा की चुनौतियों पर इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। नौसेना कर्मियों के कल्याण और प्रशिक्षण पर भी विचार विमर्श होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे, मोहे जालिम रोशन, दाग को जो पल में हरे, मोहे जालिम रोशन। पीढ़ियों से प्रचलित वही नाम वही काम, जालिम लोशन, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन।
हेलो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ, पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढककर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गई? हाँ समझ गई, और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कोरोना काल में मौजूदा मॉनसून के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। श्री मोदी ने ट्वीटर पर कहा कि यह मौसम में बदलाव और विषाणु जनित रोगों के फैलाव का समय है, इसलिए सतर्कता और एहतियाती उपाय जरूरी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रभावित लोगों की समुचित देखभाल सुनिश्चित कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने दिल्ली सरकार और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक में विषाणु जनित रोगों की रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा की। कोविड महामारी से निपटने के लिए सही समय पर किए गए सरकार के प्रयासों के कारण देश में अब तक 20 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से ठीक होने की दर अब 73.64% हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश में 60,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए हैं। ये एक दिन में ठीक होने वालों की सबसे अधिक संख्या है। अब तक कुल 20,37,870 मरीज संक्रमण से ठीक हुए। मृत्यु दर भी तेजी से घटकर 1.91% रह गई है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में लगभग 64,000 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 27,67,274 हो गई है। इनमें से 6,76,514 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक दिन में 1,092 लोगों की मृत्यु के बाद इस बीमारी से अब तक 52,889 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। देश में कोविड जांच की क्षमता में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 8 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि जांच संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की पहचान और निगरानी तथा उपचार की नीति पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता के कारण कोविड जांच में हर रोज बढ़ोतरी हो रही है। सप्ताहवार परीक्षणों के दैनिक औसत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जो जुलाई के पहले सप्ताह में 2,30,000 से वर्तमान सप्ताह में बढ़कर 8 लाख से ऊपर पहुंच गई है। कल 8,01,518 नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक कुल 3,17,42,782 नमूनों की जांच की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि इस उपलब्धि में देशभर में परीक्षण प्रयोगशालाओं के निरंतर विस्तार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस वर्ष जनवरी में देश में मात्र एक प्रयोगशाला थी, जबकि अब 1,486 प्रयोगशालाएं हैं। इनमें 975 सरकारी और 511 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 368 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 8,762 हो गई है। कोविड से 6 लोगों की मृत्यु के बाद मृतकों की संख्या 129 हो गई है। 3,321 मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित और लोकप्रिय गणेश उत्सव को ध्यान में रखकर अंतर जिला बस परिवहन सेवा को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के कारण बस सेवा को रोक दिया गया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। करीबन 5 महीने के अंतराल के बाद महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने बताया कि शिवनेरी, शिवशाही, साधारण और लग्जरी जैसी कम दूरी की बसें कल से अपनी सेवाएं शुरू करेंगी, जबकि लंबी दूरी की बसों के लिए बुकिंग धीरे धीरे शुरू की जाएगी। श्री परब ने स्पष्ट किया कि राज्य परिवहन बसों के यात्रियों के लिए ई पास, अनुमति या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि निजी
निजी वाहनों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए ई पास अनिवार्य रहेगा। उन्होंने बताया कि लोगों को कोरोना वायरस से जुड़े सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा और सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। कोविड 19 से पूर्व करीब 65 लाख से अधिक यात्री इन बसों में प्रतिदिन यात्रा करते थे। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड 19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोविज्ञान विभाग में प्रोफेसर डॉ नंद कुमार ने लोगों को घर पर रहने, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने और योगाभ्यास करने का सुझाव दिया। स्टे एट होम, स्पेंड टाइम विद द फैमिली, डू हाउसहोल्ड वर्क, एक्सरसाइज, लिसन टू म्यूजिक, सिंग विद द फैमिली, डू योगा, मेडिटेशन एंड टेक केयर ऑफ इमोशनल नीड ऑफ द फैमिली। एम्स में संक्रामक रोग की विशेषज्ञ डॉक्टर अन्विता अग्रवाल ने लोगों को लापरवाही न बरतने और अपने घरों पर रहने की सलाह दी। कोरोना वायरस मे बी इनविजिबल बट द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड आर वेरी मच विजिबल एंड द नंबर्स आर इंक्रीजिंग फ्रॉम डे टू डे। डोंट बी नेग्लिजेंट, प्लीज स्टे एट होम। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के फोन इन कार्यक्रम में कोविड 19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे इस परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मंत्रिमंडल ने सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने इस एजेंसी को करोड़ों युवाओं के लिए वरदान बताया, कहा इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। मंत्रिमंडल ने सरकारी निजी साझेदारी के जरिए जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को लीज पर देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। वर्ष 2020-2021 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 285 रूपये प्रति क्विंटल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय नौसेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम। और कोविड 19 महामारी से स्वस्थ होने की दर 73.64% हुई। बांग्लादेश के दो दिवसीय दौरे के समापन पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने आज ढाका में कहा कि भारत द्वारा तैयार कोविड 19 वैक्सीन में बांग्लादेश को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड 19 वैक्सीन के परीक्षण का काम अंतिम चरण में चल रहा है। बांग्लादेश के विदेश सचिव मसूद बिन मोमिन के साथ वार्ता के बाद श्री श्रृंगला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वे बांग्लादेश आए हैं। इससे पहले विदेश सचिव ने कल प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की थी। श्रीमती हसीना ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा की सराहना की। बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जिनमें विकास के क्षेत्र में भागीदारी, दोनों देशों के बीच संबंध सुधारना, कोविड 19 के बाद अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना और कोविड महामारी से निपटने के लिए आपसी सहयोग शामिल हैं। भारत के विदेश सचिव ने कोरोना के विरूद्व लड़ाई में चिकित्सकीय टीके और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी वर्ष के संयुक्त स्मारक पर भी चर्चा की। श्रीलंका सरकार ने देश के संविधान में 19वें संशोधन को समाप्त करने की मंजूरी दी है। जनसंचार मंत्री ने कहा कि नवगठित सरकार की आज सुबह आयोजित मंत्रिमंडलीय बैठक में यह फैसला किया गया। राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्ष दोनों ने ही राष्ट्रपति और संसद के चुनावों में 19वें संशोधन को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था। देश में पिछली सरकार ने इस संशोधन के जरिए राष्ट्रपति के लिए दो बार का कार्यकाल निर्धारित करने तथा राष्ट्रपति के अधिशासिक अधिकारों में कटौती करने के साथ ही इसे संसद और स्वतंत्र आयोगों को हस्तांतरित कर दिया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ आत्मर से बातचीत की। उन्होंने अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम और आपसी सहयोग पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने श्री आत्मर को अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी।
उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों ने विकास भागीदारी तथा संपर्क को और मजबूत करने पर बल दिया। डॉ जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल सुबैदी से आपसी संबंधों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी? अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है आयुसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि राज्य सरकार फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसमें सभी प्रकार से सहयोग देगी। इस बीच मुंबई के स्थानीय निकाय प्रमुख इकबाल सिंह चहल ने कहा है कि जांच के लिए मुंबई आने वाले सीबीआई अधिकारियों को क्वारंटीन में छूट के लिए आधिकारिक रूप से ईमेल पर आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि टीम 7 दिन के लिए आती है और उसके पास वापसी का टिकट है तो मौजूदा नियमों के अंतर्गत उसे क्वारंटीन से छूट होगी। इससे अधिक समय तक रुकने के लिए उन्हें आधिकारिक रूप से छूट मांगनी होगी। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जल्द ही मामले की पूरी जांच करेगी और आशा है कि सुशांत के परिवार को न्याय मिलेगा। मणिपुर में कांग्रेस के 5 विधायक आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इन विधायकों ने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत पांडा और राष्ट्रीय महासचिव राम माधव की मौजूदगी में ये विधायक भाजपा में शामिल हुए। इनमें कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के भतीजे और ओकराम हेनरी सिंह भी शामिल हैं। इन विधायकों ने बाद में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी मुलाकात की। इस अवसर पर भाजपा महासचिव राम माधव ने कहा कि कांग्रेस के 15 वर्ष के शासन में मणिपुर को काफी नुकसान झेलना पड़ा। श्री माधव ने कहा कि 2017 में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार के बाद मणिपुर तेजी से विकास कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में एक स्टेट बनी है। 16% जीडीपी ग्रोथ के साथ वो स्टेट आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा 3000 करोड़ का घर घर जल पहुंचाने की योजना है, उसके लिए मणिपुर को चुना है। मध्य प्रदेश में जिन गरीबों को अब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन नहीं मिला है, उन सभी को अगले महीने की 1 तारीख से 1 रूपये प्रति किलो की दर से गेहूं, चावल और नमक का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान इसकी जानकारी दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 37 लाख गरीब हितग्राही लाभान्वित होंगे। इसके अलावा गरीब परिवारों को नवंबर माह तक 5 किलो प्रति व्यक्ति निशुल्क राशन भी प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों में सभी नए हितग्राहियों को 31 अगस्त तक पात्रता पर्चियां जारी किए जाना तथा उनकी आधार सीडिंग सुनिश्चित करें, जिससे 1 सितम्बर से उन्हें राशन मिल सके। ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिससे इन गरीब भाई और बहनों को, इनके परिवार के सदस्य को 1 रूपया किलो गेहूं, चावल और नमक मिलने लगे। और आज वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। नए हितग्राहियों की पात्रता पर्ची शासन के एम राशन ऐप तथा पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत अब हितग्राही किसी भी राशन दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तमिलनाडु के पर्यटन मंत्री वेलमंजी एन नटराजन ने कहा है कि वे मुख्यमंत्री ई के पलनीसामी से अनुरोध करेंगे कि त्रिची को तमिलनाडु की दूसरी राजधानी घोषित किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आज भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण की पहल इट राइट इंडिया के अंतर्गत आयोजित ऑनलाइन अनुकूलन कार्यशाला की अध्यक्षता की।
इस अवसर पर उन्होंने इट राइट इंडिया पुस्तिका का विमोचन किया और वेबसाइट की शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इट राइट इंडिया पहल से लोगों को खानपान में पोषक तत्वों को शामिल करने के प्रति जागरूक बनाने में मदद मिलेगी। डॉ हर्षवर्धन ने पोषण अभियान, अनीमिया मुक्त भारत और फिट इंडिया मूवमेंट को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ये 2022 तक नया भारत बनाने के आधार हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण की अध्यक्ष भी मौजूद थीं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देशभर के 31 शहरों में ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स के तहत 57 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन शहरों में अहमदाबाद, प्रयागराज, बेंगलुरू, भोपाल, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, मुंबई और रांची शामिल हैं। इस अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि इन मोबाइल वैन के जरिए ट्राइफेड द्वारा जैविक और प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली वस्तुओं को रियायती दर पर विभिन्न स्थानों पर उपभोक्ताओं को पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन वस्तुओं की बिक्री से जमा होने वाली धनराशि जनजातीय समुदाय के लोगों को दी जाएगी, जिससे उन्हें अपनी आय बढ़ाने और आजीविका चलाने में मदद मिलेगी। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता ने कहा कि सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदाय के लोग लाभान्वित होंगे। बिहार में बाढ़ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। गंडक और गंगा नदी में जलस्तर उफान पर होने से इसका पानी नए इलाकों में प्रवेश कर गया है। मध्य प्रदेश के वनसागर बांध से 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके कारण रोहतास, अरवल और पटना जिला प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। राज्य में 16 जिलों के 81 लाख से भी अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित दरभंगा जिला है, जहां 20 लाख से भी ज्यादा लोग बाढ़ की विभीषिका से पीड़ित हैं। मुजफ्फरपुर में 19 लाख से अधिक, जबकि पूर्वी चंपारण जिले में 10 लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान बाढ़ से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में 37 लोगों की मौत हो गई है। 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मूसलाधार वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। चेन्नई में सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 27 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर भारत में केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। लद्दाख में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। गिलगित में तापमान 21 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 22 और 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने आज श्रीनगर में बहुउद्देशीय इंडोर स्पोर्ट्स हॉल, पोलो ग्राउंड और नेहरू पार्क में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में खेल बुनियादी ढांचागत विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने इस एजेंसी को करोड़ों युवाओं के लिए वरदान बताया, कहा इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। मंत्रिमंडल ने सरकारी निजी साझेदारी के जरिए जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को लीज पर देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। वर्ष 2020-21 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 285 रूपये प्रति क्विंटल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय नौसेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम और कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर 73.64% हुए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।